हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूँ अमित पालित। देश में पहली बार स्वदेशी खिलौनों का सबसे बड़ा मेला शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस खिलौने मेले का उद्घाटन किया और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी से संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे ले चलते हैं। आने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, खिलौनों के साथ भारत का रचनात्मक रिश्ता, क्रिएटिव रिलेशन उतना ही पुराना है जितना इस भूभाग का इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो और हड़प्पे के दौर के खिलौनों पर पूरी दुनिया ने रिसर्च की है। प्राचीन काल में दुनिया के यात्री जब भारत आते थे, वो भारत में खेलों को सीखते भी थे और अपने साथ खेल लेकर भी जाते थे। आज जो शतरंज दुनिया में इतना लोकप्रिय है, वो पहले चतुरंग या चादुरंगा के रूप में भारत में खेला जाता था। आधुनिक लूडो तब 25 के रूप में खेला जाता था। हमारे धर्म ग्रंथों में भी आप देखिए, बाल राम के लिए अलग अलग कितने ही खिलौनों का वर्णन मिलता है। गोकुल में गोपाल कृष्ण घर के बाहर अपने मित्रों के साथ कंदुक यानी बॉल से खेलने जाते थे। हमारे प्राचीन मंदिरों में भी खेलों के, खिलौनों के शिल्प को उकेरा गया है। खास करके तमिलनाडु में, चेन्नई में अगर आप वहां मंदिरों को में देखेंगे तो ऐसे कितने ही उदाहरण देखने को मिलेंगे कि मंदिरों में भी अलग अलग खेल, अलग अलग खिलौने, वो सारी चीजें वहां आज भी दीवारों पर दिखती हैं। साथियों, किसी भी संस्कृति में जब खेल और खिलौने आस्था के केंद्रों का हिस्सा बन जाएं, तो इसका अर्थ है कि वो समाज खेलों के विज्ञान को गहराई से समझता था। हमारे यहां खिलौने ऐसे बनाए जाते थे जो बच्चों के चहुमुखी विकास में योगदान दे, उनमें एनालिटिकल माइंड विकसित करें। आज भी भारतीय खिलौने आधुनिक फैंसी खिलौनों की तुलना में कहीं सरल और सस्ते होते हैं। सामाजिक भौगोलिक परिवेश से जुड़े भी होते हैं। साथियों, रीयूज और रिसाइकलिंग जिस तरह भारतीय जीवन शैली का हिस्सा रहे हैं, वही हमारे खिलौनों में भी दिखता है। ज्यादातर भारतीय खिलौने प्राकृतिक और इको फ्रेंडली चीजों से बनाते हैं। उनमें इस्तेमाल होने वाले रंग भी प्राकृतिक और सुरक्षित होते हैं। अभी हम वाराणसी के लोगों से बात कर रहे थे। वाराणसी के लकड़ी के खिलौने और गुड़िया को देखिए, राजस्थान के मिट्टी के खिलौने देखिए, ऐसे ही पूर्वी मेदिनीपुर की गलर गुड़िया है, कच्छ के कपड़ा डिंगला और डिंगली है, आंध्र प्रदेश के इटीकोपक बोम्मलू और बुधनी के लकड़ी के खिलौने हैं, कर्नाटक जाएंगे तो वहां के चन्नपटना खिलौने अभी जो हम तो देख रहे थे, तेलंगाना के निर्मल खिलौने, चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने, धुबरी असम के टेराकोटा के खिलौने, ये सब खिलौने अपने आप में कितने डाइवर्स हैं, कितनी अलग अलग खूबियों से भरे हैं, लेकिन सब में एक समानता है कि सभी खिलौने इको फ्रेंडली और क्रिएटिव है। ये खिलौने देश के युवा मन को हमारे इतिहास और संस्कृति भी से भी जोड़ते हैं और सामाजिक मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं। इसलिए आज मैं देश के
टॉय मैन्युफैक्चरर्स से भी अपील करना चाहूंगा कि आप ऐसे खिलौने बनाएं जो इकोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों के लिए ही बेहतर हो। क्या हम ये प्रयास कर सकते हैं कि खिलौनों में कम से कम प्लास्टिक इस्तेमाल करें, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिन्हें रिसाइकल कर सकते हैं। साथियों, आज दुनिया में हर क्षेत्र में भारतीय दृष्टिकोण और भारतीय विचारों की बात हो रही है। भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक यूनिक पर्सपेक्टिव भी है। ये हमारी परंपराओं में, हमारे परिधानों में, हमारे खानपान में, हर जगह ये विविधताएं एक ताकत के रूप में नजर आती हैं। इसी तरह भारतीय टॉय इंडस्ट्री भी इस यूनिक इंडियन पर्सपेक्टिव को, भारतीय विचार बोध को प्रोत्साहित कर सकती है। हमारे यहां खिलौने तो पीढ़ियों की विरासत के तौर पर रखे और सहजे जाते रहे हैं। दादी नानी के खिलौने परिवार के तीसरी चौथी पीढ़ी तक को दिए जाते थे। त्योहारों पर परिवार के लोग अपने खिलौने निकालते थे और अपने पारंपरिक संग्रह को एक दूसरे को दिखाते भी थे। जब हमारे खिलौने इसी इंडियन एस्थेटिक से सजे होंगे तो इंडियन थॉट्स, भारतीयता की भावना भी बच्चों के अंदर और मजबूती से विकसित होगी, उसमें इस मिट्टी की महक होगी। प्यारे बच्चों और साथियों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक कविता में कहा है कि व्हेन आई ब्रिंग टू यू कलर्ड टॉयज माय चाइल्ड, आई अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज सच ए प्ले ऑफ कलर्स ऑन क्लाउड्स ऑन वाटर एंड व्हाई फ्लावर्स आर पेंटेड इन टिंट्स व्हेन आई गिव कलर्ड टॉयज टू यू माय चाइल्ड। यानी एक खिलौना बच्चों को खुशियों की अनंत दुनिया में ले जाता है। खिलौना का एक एक रंग बच्चों के जीवन में कितने ही रंग बिखेरता है। आज यहां इतने खिलौनों को देखकर यहां उपस्थित बच्चे जैसा महसूस कर रहे हैं वही अनुभव हम सबने भी अपने बचपन की यादों में संजोकर रखा है। कागज के हवाई जहाज, लट्टू, कंचे, पतंग, सीटियां, झूले, कागज के घूमने वाले पंखे, गुड्डे और गुड़ियां, ऐसे कितने ही खिलौने हर बचपन के साथी रहे। साइंस के कितने ही सिद्धांत, कितनी ही बातें, जैसे कि रोटेशन, ऑसिलेशन, प्रेशर, फ्रिक्शन, ये सब हम खिलौनों से खेलते हुए, उन्हें बनाते हुए खुद ब खुद सीख जाते थे। भारतीय खेल और खिलौनों की ये खूबी रही है कि उनमें ज्ञान होता है, विज्ञान भी होता है, मनोरंजन होता है और मनोविज्ञान भी होता है। उदाहरण के तौर पर लट्टू को ही ले लीजिए। जब बच्चे लट्टू से खेलना सीखते हैं तो लट्टू खेल खेल में ही उन्हें ग्रेविटी और बैलेंस का पाठ पढ़ा जाता है। वैसे ही गुलेल से खेलता बच्चा जाने अनजाने में पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी के बारे में बेसिक सीखने लगता है। पजल टॉय से रणनीतिक सोच और समस्या को सुलझाने की सोच विकसित होती है। इसी तरह नवजात बच्चे भी झुनझुने और बाजे घुमा घुमाकर सर्कुलर मूवमेंट को महसूस करने लगते हैं। आगे जाकर
इन्हीं चीजों को जब उन्हें उनकी कक्षा में किताबों में पढ़ाया जाता है तो अपने खेल से उसे रिलेट कर पाते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझ पाते हैं। केवल किताबी ज्ञान से ये समझ नहीं, समझ विकसित ही नहीं हो सकती है। साथियों, आप सबने भी देखा होगा कि रचनात्मक खिलौने कैसे बच्चों के सेंसेस को डेवलप करते हैं, उनकी कल्पनाओं को पंख देते हैं। अपने खिलौनों के इर्द गिर्द बच्चे कैसे अपनी कल्पनाओं का एक पूरा संसार बना लेते हैं। जैसे कि आप किसी बच्चे को खिलौनों वाले बर्तन दीजिए, वो ऐसे व्यवहार करना लगेगा जैसे कि पूरे किचन की व्यवस्था संभाल रहा है और पूरी परिवार को वही आज खाना खिलाने वाला है। उन्हें आप जानवरों वाले खिलौने दीजिए तो अपने मन में एक पूरा जंगल बना देता है, खुद भी आवाज निकालने लगता है, जो भी ठीक लगे उसको लगता है कि ये शेर है तो ऐसी आवाज निकालता है। उन्हें एक टेलीस्कोप दे दीजिए, थोड़ी देर में देख लीजिए वो डॉक्टर बन जाएगा, फैमिली डॉक्टर बन जाएगा और परिवार के पूरे परिवार के सबकी तबीयत जांचना शुरू कर देता है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।